हुए। चले अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और कांग्रेस पर कई हमले किए। गडकरी अब क्या कहते हैं बीकानेर में, जरा वो भी सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया है और कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हुई है। गडकरी ने कांग्रेस के आरएसएस पर राजनीतिक दल बनने की बात का भी जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की सलाह की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब हमारे साथ मौजूद है। राजस्थान आप लगातार आते रहे हैं, आज भी आए हैं और रोड शो भी है अभी थोड़ी देर बाद। आप राजस्थान में वसुंधरा जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने रोड के काम में बहुत अच्छा काम किया, बाकी भी क्षेत्र में अच्छा काम किया है और मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सब भारत सरकार ने जो काम किया, इस काम के भरोसे राजस्थान की जनता हमको बहुत अच्छे तरीके से चुन के। आपने रोड्स के इतने काम करवाए लेकिन वो किसान कर्ज माफ़ी राहुल गांधी जी वाली, वो कहीं भारी नहीं पड़ गई रोड्स पे? देखिए, कांग्रेस की विश्वसनीयता इस विषय के साथ जुड़ी नहीं है क्योंकि पंडित नेहरू से लेकर राहुल जी तक सब गरीबी हटाने की बात करते हैं, तो गरीबी तो हटी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस पर लोग विश्वास नहीं रखें। कांग्रेस कहती है आरएसएस को राजनीतिक दल बन जाना चाहिए, उनकी सलाह की जरूरत नहीं है। खास बातचीत की है नितिन गडकरी साहब ने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से। उनका कहना है कि कांग्रेस की विश्वसनीयता नहीं रही है, किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर नितिन गडकरी बोले हैं। कैमरा पर्सन जीतेश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।